हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस स्टूडियो में। तो अभी स्टूडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडक्शन फर्नेस के बारे में। ठीक है, ये जानेंगे कि हम इंडक्शन फर्नेस क्या होता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर, कौन कौन से मतलब सेक्शन होते हैं इंडक्शन फर्नेस के, ठीक है, उसमें स्टील हम कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इंडक्शन फर्नेस है क्या। ठीक है, तो जो इंडक्शन फर्नेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, वहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और उसकी वजह से अपना जो रॉ मटेरियल है, जो भी मेटल है, वो मेल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल जो बता रहा हूँ, मेटल, वो फेरस का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन फेरस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फेरस में अगर आपको स्टील बनाना है, कास्ट आयरन बनाना है, या नॉन फेरस मेटल की मेल्टिंग करनी है, तब भी यहाँ पर इंडक्शन फर्नेस काम आता है। ठीक है, अब देखिए, जो इंडक्शन फर्नेस होता है ना, उसमें रिफाइनिंग के जो स्कोप है काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अलग से ऑक्सीजन देते नहीं हैं। जबकि जो एलडी कन्वर्टर है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, वहाँ पे हम अलग से, हमारे पास ऑक्सीजन लाइन्स होते हैं, वहाँ से हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, इम्प्योरिटी ऑक्सीडाइज होता है, वो स्लैग बना के बाहर निकलता है। लेकिन इंडक्शन फर्नेस में हम किसी तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो रिफाइनिंग के स्कोप काफ़ी कम होते हैं, है ना। इसीलिए ज़्यादातर जो इंडक्शन फर्नेस है ना, वहाँ पे रॉ मटेरियल आपका होता है या स्टील का स्क्रैप या फिर DRI। ठीक है, ज़्यादातर जो छोटे स्टील प्लांट होते हैं ना, जिसके पास ब्लास्ट फर्नेस नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, स्क्रैप कहीं से खरीदते हैं बाहर से, या DRI खरीदते हैं, या खुद बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडक्शन फर्नेस में उसका मेल्टिंग करते हैं, थोड़ा बहुत रिफाइनिंग अगर स्लैग वगैरह डाल के करना है तो वो करते हैं, उसके बाद उसको सीधा टाइपिंग करके कास्टिंग कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इंडक्शन फर्नेस ज़्यादातर छोटे प्लांट्स के पास मिलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से एरिया होते हैं आपका जहाँ इंडक्शन फर्नेस है। ठीक है, तो इंडक्शन फर्नेस बनाने के लिए आपको देखो कौन कौन से एरिया चाहिए। पहले तो स्क्रैप यार्ड होगा आपके पास, स्क्रैप यार्ड बोल सकते हो या रॉ मटेरियल यार्ड बोल सकते हो, जहाँ पर स्क्रैप वगैरह स्टोर होगा। अगर DRI है तो DRI वहाँ पर स्टोर होगा, है ना। उसके अलावा फेरो अलॉयज है, ठीक है, इसके अलावा और भी जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उसके लिए अलग से यार्ड होगा, इसको बोलते हैं स्क्रैप यार्ड। सेकेंड होते हैं इंडक्शन फर्नेस यूनिट। एक्चुअल में इंडक्शन फर्नेस का जो यूनिट है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आपका होता है ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि इंडक्शन फर्नेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है ना, लो जो पावर सप्लाई आता है उसको हाई करंट और लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए आपको हाई करंट चाहिए। ठीक है, हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं, हायर करंट चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर हाई करंट और लो वोल्टेज पे मतलब कन्वर्ट करके देता है, हाई करंट कन्वर्ट करके आपको कॉइल को भेजता है। ठीक है, फर्नेस को भेजता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है पिट साइड। पिट साइड मतलब जहाँ पर कास्टिंग करना है, उसको बोलते हैं पिट साइड। ठीक है, तो मटेरियल मेल्ट होने के बाद, रिफाइनिंग सब कुछ होने के बाद, हम क्या करते हैं, उसको पूरिंग कर देते हैं टीमिंग लैडर पे। फिर टीमिंग लैडर से हम उसको भेजते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग यूनिट पे। ठीक है, ज़्यादातर आजकल हर जगह कंटिन्यूस कास्टिंग हो गया है। कई जगह हो सकता है कि इंगट कास्टिंग भी होता होगा, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, ज़्यादातर जो है कंटिन्यूस कास्टिंग होता है। ठीक है, तो वो टीमिंग लैडर से हम उसको भेजते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग, उसको बोलते हैं पूरा पिट साइड, जितना जो भी कंटिन्यूस कास्टिंग का जो एरिया होता है उसको। इसके अलावा होता है फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम, मतलब जो भी गैसेस निकलती है ना, उसको फ्यूम को, जो एक्सट्रैक्शन सिस्टम है उसको खींच के हम उसको गैस क्लीनिंग में भेजते हैं। यहाँ पे डस्ट कैचर वगैरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वगैरह होता है, उसके बाद उसको चिमनी से हम बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल पांच होते हैं। इसके अलावा छठवा भी होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, है ना। वाटर कूलिंग सिस्टम इसलिए होता है क्योंकि जितना भी जो इंडक्शन फर्नेस का जो कॉइल है, ठीक है, जितने भी केबल वगैरह हैं, सब चीज़ क्या है, वाटर कूल्ड होता है, तो हमें अलग से वाटर कूलिंग प्लांट लगाना पड़ता है। वहाँ से लगातार वाटर कूल्ड होता है, फिर कूल्ड वाटर फर्नेस में जाता है, फर्नेस से वापस गर्म होकर पानी वापस आता है। ठीक है, वो फिर कूल करता है, तो एक वाटर कूलिंग सिस्टम भी पूरा होता है। ठीक है, ये आपका पूरा एक तरह से डायग्राम है, यहाँ पर देख सकते हो आप, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सर्किट ब्रेकर से ट्रांसफार्मर में आता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर से ये फिर जाता है आपका फर्नेस में। ठीक है, यहाँ पे फर्नेस में जाता है, फर्नेस में जो भी मेल्टिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा इधर चार्जिंग कार है, चार्जिंग कार होता है, या फिर क्रेन होता है, जहाँ से हम जो स्क्रैप वगैरह है उसको फर्नेस के अंदर, या फिर जो DRI है उसको फर्नेस के अंदर जो है वो चार्ज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम नीचे लगा होता है, जब मेटल बन जाता है तो उसको टिल्ट करने के लिए यहाँ पे नीचे हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इंडक्शन फर्नेस है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो इससे जाने से पहले मैं आपको सीधा इंडक्शन फर्नेस का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कैसे रहता है। इंडक्शन फर्नेस देखिए इस तरह से रहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है,
अब इसके आप अंदर जाओगे ना, ये एरिया जहाँ पे हम मेल्टिंग करते हैं, ठीक है, ये वाला है ना, यहाँ पे देखो ये टॉप है फर्नेस का, माउथ है, ऊपर से ऐसा दिखता है, इसके नीचे पूरा स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। अब इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, अंदर में ना ऐसे कॉइल लगे होते हैं, ठीक है, ये क्या है, कॉपर के पूरे कॉइल लगे हैं, इसी कॉइल के अंदर रिफ्रैक्टरी को फिट किया जाता है, रैमिंग किया जाता है, इसके कॉइल के अंदर रिफ्रैक्टरी को फिट वो किया जाता है रैमिंग, ठीक है। फिर जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं इस कॉइल में, कॉपर के कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई करते हैं ना, तो क्या होता है, अंदर जो मटेरियल है, जो भी कंडक्टिव मटेरियल होगा, जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल, जैसे स्टील है, ठीक है, इसके अलावा आपका जो भी नॉन नॉन फेरस है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, अंदर में कॉइल्स लगे होते हैं, बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा कॉइल्स लगे हैं, बट अंदर कॉइल लगे होते हैं, ठीक है। कॉइल के अंदर एक मतलब रिफ्रैक्टरी की लाइनिंग होती है, रिफ्रैक्टरी मास बोलते हैं उसको, ठीक है, रिफ्रैक्टरी की लाइनिंग लगी होती है, बाहर से अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। एक और फोटो आपको मैं दिखाता हूँ, ये है, नीचे से अगर आप देखोगे ना इंडक्शन फर्नेस को, इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर कूल्ड केबल होता है, जितना भी केबल होता है पूरा सब वाटर कूल्ड होता है, ठीक है, जो कॉइल होता है वो भी पूरा वाटर कूल्ड होता है ना, तो बाहर जैसे दिखाई देगा, इसके अंदर में ना ऐसे लाइनिंग है कॉपर की, ठीक है, कॉपर की लाइनिंग है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण मटेरियल जो है वो हीट होता है और अल्टीमेटली मेल्ट होता है ना। आप देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि मटेरियल मेल्ट हो जाता है, तो जो इंडक्शन फर्नेस है ना वो इंडक्शन हीटिंग पे काम करता है, ठीक है। और इंडक्शन हीटिंग के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा होता है जूल इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखो क्या होता है, जब ऐसा जो कॉइल है उस पर हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, है ना, मान लीजिए कॉपर का कॉइल है और मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी भेज रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होने की वजह से क्या होता है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसके बाहर पूरा क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ कॉइल पे जो रेड कलर का जो कॉइल है उसमें हम क्या भेज रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भेजने के कारण ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाता है, ठीक है। अब उस मैग्नेटिक एक्चुअली में जो है ना कॉइल जो है वो किसी मेटल के टच में नहीं रहेगा, जैसे ये जो कॉइल जा रहा है ये बीच में जो मेटल है इसके टच में नहीं है, सेम वहाँ पे भी होता है इंडक्शन फर्नेस में भी, कॉइल किसी रॉ मटेरियल से या किसी मेटल से कनेक्टेड नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, नॉन कॉन्टेक्टिंग है ये, है ना। तो होता क्या है, जब हम कॉइल में करंट भेजते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब देखिए, जब हम किसी मटेरियल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना, उस मटेरियल के अंदर करंट फ्लो होने लगता है, अगर वो मटेरियल कंडक्टिव नेचर का है तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पूरा क्या है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई मेटल को रख देता हूँ तो क्या होगा ना, उस मेटल के अंदर करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम ईडी करंट, उसको क्या बोलते हैं, ईडी करंट, ठीक है। अब उस ईडी करंट के कारण मटेरियल में करंट फ्लो हो रहा है, अब उस मटेरियल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के कारण और करंट फ्लो होने के कारण ना वो मटेरियल धीरे धीरे हीटअप होने लगता है। हीटअप कैसे होता है, उसका एक फॉर्मूला है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, टी जो है वो टाइम है। तो आप जितना करंट दोगे, मतलब जितना ईडी करंट जनरेट होगा होगा मेटल में, और जितना उसका रेजिस्टेंस होगा और जितना टाइम तक वो करोगे उतना इसमें हीट जनरेट होगा। तो क्या होता है ना, जितने भी चार्ज मटेरियल हम डालते हैं फर्नेस के अंदर, यहाँ पे ये जो फर्नेस यहाँ पे कॉइल के अंदर, इसके नीचे कॉइल लगी हुई है, इसके अंदर जितने भी हम रॉ मटेरियल डालते हैं, जो भी स्क्रैप या DRI, वो क्या होता है ना, उसमें ईडी करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण ईडी करंट जनरेट होता है, और उस ईडी करंट के कारण मेटल जो है वो हीट होना चालू हो जाता है। फिर एक समय बाद ऐसा आता है, टाइम आप दे रहे हो आई स्क्वायर आर टी के, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो करंट हो सकता है फिक्स दे रहे हो, रेजिस्टेंस भी चलो फिक्स है, लेकिन टाइम उसका बढ़ते जा रहा है तो हीट बढ़ने लगता है, और हीट बढ़ने के कारण मेटेरियल गर्म होता है, गर्म होकर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, आपका रॉ मटेरियल मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंडक्शन फर्नेस काम करता है। तो मैंने जो बताया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट हो रहा है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब एक तरह से रिवर्स टाइप का काम कर रहा है। जैसे कि हम कॉइल में क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, अब वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, किसी और मटेरियल में करंट जनरेट करता है, ठीक है, एक तरह से रिवर्स रहा, मैंने कॉइल को दिया करंट, करंट ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी और मेटल में करंट फ्लो कराने का काम कर रहा है, हालांकि कॉन्टैक्ट में नहीं है, तब भी वो क्या कर रहा है, उस मेटल में
करंट फ्लो कराने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको बोलते हैं, और जूल इफेक्ट मतलब जो ईडी करंट जनरेट होता है ना मटेरियल में, और ईडी करंट कारण जो हीट होता है उसको हम बोलते हैं जूल इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंडक्शन फर्नेस काम करता है। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मतलब जितना आप करंट दोगे ना कॉइल में उसी हिसाब से जो रॉ मटेरियल है उसमें ईडी करंट जनरेट होगा और उतना ही उसमें हीट जनरेट होगा। तो यहाँ से हम करंट सप्लाई करके कॉइल में कंट्रोल कर सकते हैं फर्नेस को, कितना आपको टेम्परेचर रखना है, कितना आपको हीट देना है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा जो है स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये फर्नेस की बॉडी है। बाहर से तो स्टील का ही बना होता है, अंदर में लेकिन रिफ्लेक्टर की लाइनिंग होती है, ऊपर में फर्नेस कवर है। ठीक है, फर्नेस का एरिया आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये फर्नेस का माउथ है, इसी में हम रॉ मटेरियल को चार्ज करके उसको मेल्ट करते हैं। और इसमें एक टिल्टिंग मैकेनिज्म होता है, हाइड्रोलिक टिल्टिंग मैकेनिज्म। जब पूरी तरह से प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, टाइपिंग करना होता है ना, तो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म से हम उसको मेटल को टाइप कर लेते हैं। ये होता है इस तरह से, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये 5000 किलो वॉट का ट्रांसफार्मर आपको चाहिए होता है। अगर आपको 12 टन का अगर इंडक्शन फर्नेस अगर आपको चलाना है 12 टन कैपेसिटी का, तो 5000 किलो वाट का आपको एक ट्रांसफार्मर चाहिए। ठीक है, ये पूरा वाटर कूलिंग मैकेनिज्म है, यहाँ से वाटर जो है ये कूलिंग वाटर इधर से आ रहा है और अलग अलग जगह सप्लाई हो रहा है। पूरा जो केबल होता है, पूरा जो कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है, उसके अलावा कॉइल जो होता है, सब क्या होता है, वाटर कूल्ड होता है। ठीक है, वाटर कूलिंग बहुत ज़रूरी है, अगर वाटर कूलिंग नहीं होगा तो करंट इतना ज़्यादा सप्लाई हो रहा है कि पूरा जल जाएगा। पूरा कंट्रोल पैनल जो दिख रहा है ना, ये पूरा कंट्रोल पैनल, ये पूरा जल जाएगा, केबल वगैरह सब जल जाएगा, इसलिए वाटर कूलिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये फर्नेस है, आपको बता दिया हमें, नीचे से इस तरह से दिखाई देता है। इधर देखो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म पूरा दिया हुआ है, इससे फर्नेस टिल्ट हो जाता है टाइपिंग के समय। ये पूरा वाटर कूलिंग, इस तरह से वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, इस तरह से यहाँ पे वाटर कूलिंग होते रहता है, कूल्ड वाटर यहाँ से सप्लाई होता है, हॉट वाटर इधर से आता है। ठीक है, ये कूल होकर फिर वापस आता है। अब देख लेते हैं हम रिफ्रैक्टिव लाइनिंग के बारे में। रिफ्रैक्टिव लाइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडक्शन फर्नेस में, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव लाइनिंग को आपको हर 3 से 4 दिन में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव लाइनिंग में हम ईट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें क्या होता है ना, एक पाउडर आता है, पाउडर को रैमिंग कर करके हम क्या करते हैं, उसकी लाइनिंग बनाते हैं। तो हर 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन में आपको बार बार रिफ्रैक्टर को तोड़ के वापस उसमें रैमिंग करना पड़ता है, रिफ्रैक्टर डालना पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इंडक्शन फर्नेस में। ठीक है, अब देखो जो हम रिफ्रैक्टर जो चूज़ करते हैं उसके क्या पैरामीटर है, तो उसके 3 पैरामीटर है। पहले तो प्रॉपर ग्रेड का आपको लाइनिंग मटेरियल यूज़ करना है, सही ग्रेड का होना चाहिए, जो स्लैग जनरेट हो रहा है, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर एसिडिक है स्लैग तो आपका एसिडिक रिफ्रैक्टरी, बेसिक स्लैग है तो बेसिक रिफ्रैक्टरी यूज़ होनी चाहिए। केयरफुली एंड सिस्टमेटिक लाइनिंग प्रैक्टिस, तो जो आप लाइनिंग प्रैक्टिस करेंगे अभी मैं बताऊंगा, वो सिस्टमेटिक और सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, और कंसिस्टेंसी इन वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे अगर एसिड स्लैग जनरेट हो रहा है तो एसिडिक ही स्लैग जनरेट होना चाहिए। ठीक है, अगर बेसिक हो रहा है तो बेसिक ही जनरेट होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वर्किंग कंडीशन को चेंज करोगे तो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग जल्दी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 3 टाइप का लाइनिंग आता है, 3 टाइप की रिफ्रैक्टरी होती है। एसिडिक होता है जिसमें सिलिका का यूज़ करते हैं, बेसिक होता है जिसमें मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, न्यूट्रल में हम एलुमिना का यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एसिडिक लाइनिंग होता है, सिलिका का यूज़ करते हैं ज़्यादातर टाइम में। ठीक है, क्योंकि लो कॉस्ट होता है, इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है, लो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, इसके कारण हीट लॉस कम होता है। ठीक है, जो सिलिका होता है ना उसको बोरिक एसिड के साथ मिक्स करके हम लोग अपना जो है जो रिफ्रैक्टरी है उसका रैमिंग करते हैं। बोरिक एसिड बहुत ज़रूरी है, एक तरह से बाइंडर का काम करता है, उसको हार्ड बनाता है। ठीक है, देखो इस तरह से आपका रिफ्रैक्टरी आता है, ये बोरिक एसिड है, ऐसी आपका सिलिका रिफ्रैक्टरी आएगा पाउडर के फॉर्म में। यहाँ पे हम ईट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करते, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड को हम पहले से स्क्रीन कर लेते हैं 0.2 mm के साइज़ में। ठीक है, फिर इसको किसके साथ मिक्स करते हैं, सिलिका रिफ्रैक्टरी के साथ, प्रॉपर वेट करके मतलब वजन लेके दोनों का मिक्स किया जाता है। ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या होता है, ये आपका देखो फर्नेस है ना। अब देखो इस फर्नेस के बाहर क्या लगा हुआ है, लाइन वो है, कॉइल है, वो कॉइल आपको यहाँ से दिखाई नहीं देगा, वो कॉइल इसके बाहर है, इस क्रूसिबल के बाहर कॉइल लगी हुई है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, पूरा रिफ्रैक्टरी चाहिए, क्योंकि हमको मेटल बनाना तो रिफ्रैक्टरी चाहिए, तो ईट के इस्तेमाल यहाँ नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं ना, जो मैंने दिखा ना बोरिक एसिड और सिलिका, वो पाउडर फॉर्म में आता है, उसको हम क्या करते हैं, ये बॉटम में डालने के बाद उसको
राइमिंग करते हैं, ठीक है। हर दो दो इंच के बाद राइमिंग किया जाता है। जैसे मैंने 2 इंच क्या डाला, पाउडर डाला, मतलब हाइट से नीचे से लेकर 2 इंच तक मैंने पाउडर डाल दिया, उसके बाद उसमें राइमिंग किया जाता है। ऐसा रैमर होता है, फ्लैट रैमर होता है, और एक एक क्या बोलते हैं, स्पाइक रैमर होता है। स्पाइक रैमर ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसा। तो इससे ऐसे रैमिंग किया जाता है ताकि प्रॉपर कॉम्पैक्शन आपको मिले, ठीक है। तो हर 2 इंच में डालने के बाद उसको फिर कॉम्पैक्शन किया जाता है। हर 2 इंच 4 इंच के बाद पूरा कॉम्पैक्शन किया जाता है, ठीक है। शुरू में कॉम्पैक्शन कम लगता है, जैसे जैसे हम ज़्यादा हाइट में ये डालते हैं ना पाउडर, जैसे ये बॉटम है एकदम फर्नेस का, फिर थोड़ा सा पाउडर डालेंगे, फिर रैमिंग करेंगे, फिर पाउडर डालेंगे, फिर रैमिंग करेंगे, फिर पाउडर डाल के फिर रैमिंग करेंगे। तो आखिरी में ज़्यादा टाइम तक आपको रैमिंग करना है, जब आपने जब इसकी मोटाई जो है वो पाउडर की मोटाई बढ़ गई तो रैमिंग ज़्यादा टाइम तक करना है, ठीक है, ताकि कॉम्पैक्शन बना रहे। अगर रैमिंग अच्छे से नहीं होगा ना तो ये जो जितना भी रिफ्रैक्टिव मटेरियल है वो क्या होगा, मेटल में आना चालू हो जाएगा, मतलब टूटना चालू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव लाइनिंग। तो कॉम्पैक्शन अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहले इंच फर्स्ट जो जो पहला इंच है, ठीक है, रैमिंग मास का पहला इंच, उसमें हम 10 मिनट टाइम दे रहे हैं कॉम्पैक्शन के लिए। 10 मिनट तक हम उसमें रैमिंग कर रहे हैं, वो सही है। 2 इंच के लिए हम 20 मिनट रैमिंग कर रहे हैं, वो भी ओके है। लेकिन देखो, जब हमने 3 इंच किया तो 30 मिनट रैमिंग कर रहे हैं, वो इनकरेक्ट है। मतलब देखो, जैसे जैसे आप रैमिंग करोगे, आखिरी आखिरी में आपको रैमिंग ज़्यादा टाइम तक करना है, ठीक है। क्योंकि जितना ऊपर जाते जाओगे, जितना रैमिंग मास, जितना रिफ्रैक्टर डालोगे, उतना ज़्यादा आपको रैमिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बॉटम रैमिंग हो गया। बॉटम रैमिंग होने के बाद ना, साइड आपको साइड में रिफ्रैक्टर लगानी इधर, ठीक है। ये साइड ये वाला साइड, ये पूरा बाहर क्या है, क्रूसिबल है, क्रूसिबल है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लगा रहा हूँ, रिफ्रैक्टरी। तो रिफ्रैक्टरी लगाने के लिए ना ऐसा एक वो आता है, इसको बोलते हैं फॉर्मर। ये सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। इस तरह से देखो, अभी बॉटम बीच में लगा है, इसको बोलते हैं फॉर्मर, ठीक है। अब इस फॉर्मर को ऐसे प्लेस किया जाता है कि इसके बीच एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हो, क्योंकि हम इसी के बीच में क्या डालेंगे, अपना रिफ्रैक्टरी मास डालेंगे इसके बीच में। तो थिकनेस को प्रॉपर चेक किया जाता है, जैसे यहाँ का जो थिकनेस है, यहाँ का थिकनेस, यहाँ का, हर जगह का थिकनेस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, देखो इस तरह से क्या है, इसमें गलत हो गया ना, इधर आपका मोटाई कम मिलेगा, इधर आपकी मोटाई रिफ्रैक्टरी की ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर मेजरमेंट होता है। उसके बाद ये लॉक सिस्टम होता है, इसको लॉक कर देते हैं ऐसे सब तरफ से, प्रॉपर थिकनेस चेक करने के बाद, है ना। फिर उसके बाद बीच में काउंटर वेट रख देते हैं, जो फॉर्मर होता है ना, उसके बीच में एक वजन से यहाँ पर रख देते हैं। ये होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा लोहा रख देते हैं वजन के लिए, ताकि ये हिले डुले मत, जब हम रैमिंग करें तो क्या हो, स्टेबल हो। मतलब इधर मैं रैमिंग करता हूँ तो ऐसा नहीं कि इस तरफ टिल्ट हो जाए, या इधर रैमिंग करूँगा इधर टिल्ट हो जाए। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं ना, एक बड़ा सा वेट बीच में रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ऐसा एक फनल होता है, फनल के थ्रू जो बीच का जो गैप है ना, फार्मर और क्रूसिबल के बीच में जो गैप है, उसमें हम अपना जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल सिलिका और बोरिक एसिड का मिक्सचर, उसको हम डालते हैं, ठीक है। और इस तरह से रैमिंग करते जाते हैं, नीचे से पूरा पूरा नीचे से आप रैमिंग करते जाओगे, और लास्ट में इस तरह से आपका रैमिंग हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट होता है रैमिंग। इस तरह से होने के बाद फिर क्या करना है, कुछ समय आपको रुकना है, थोड़ा सा हीट देना है इसको। हीट देने से क्या होता है, जो आपका जो रिफ्रैक्टरी आपने डाला है ना, वो कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। अभी तो आपने पाउडर फॉर्म में डाला है, लेकिन थोड़ा सा हीट करोगे तो क्या होगा, बोरिक एसिड और सिलिका जो है आपस में थोड़ा सा क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है। हार्ड होके अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हीट अप करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हीट करने से कुछ देर आपको रुकना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो जाए, हार्ड हो जाए जो आपने कॉम्पैक्शन किया है वो, ठीक है। उसके बाद आप उसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसको निकाल लेना है, ये जो फॉर्मर है उसको निकाल लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यूटिलाइज़ करना है, फिर मेल्टिंग प्रैक्टिस शुरू करनी है। ये तो मैंने बताया कि मैनुअल जो कॉम्पैक्शन करते हैं, मैनुअल रैमिंग करते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक रैमर भी आता है इस तरह से, ये वाइब्रेटर टाइप का होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। देखो इसको हमने क्या डाल दिया, रैमिंग मास डालने के बाद ना, हमने इसको ये जो है वाइब्रेटर, इसको हम डाल दिया। ये क्या करते हैं ना, वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पे देखो मोटर लगा हुआ है, वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, नीचे में कॉम्पैक्शन होता है, ठीक है। इस तरह से काम करता है ये जो है ऑटोमेटिक रैमर है। ये साइड रैमिंग के लिए एक और मशीन आता है, ये होता है साइड रैमर। ये भी ऑटोमेटिक होता है। साइड रैमर के लिए ऐसा हम लोग फॉर्मर हम इसमें डालते हैं। अब देखो यहाँ वाले फॉर्मर में देखो, ऊपर में एक पेपर का एक क्या दिया गया है, एक लेयर है। ये जो पेपर का लेयर जो यूज़ करते हैं ऑप्शनल होता है, कई लोग यूज़ करते हैं, कई जगह यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर फर्नेस का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो इस तरह से पेपर का यूज़ किया जाता है। ये रीयूजबल रैप पेपर होता है,
इसको आप वापस भी यूज़ कर सकते हो। ये क्या करते हैं ना, जब आप निकालोगे फॉर्मर को कॉम्पैक्शन करने के बाद जब इसको बाहर निकालोगे उस समय क्या होता है, आसानी से निकल जाता है अगर ये पेपर आपने रैप किया है तो। ठीक है, तो जितना अगर बड़ा मतलब बड़े साइज़ का अगर वो हो आपका फर्मेस हो तो उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बॉटम कॉम्पैक्शन के लिए तो ये वाला यूज़ होता है ना, ये वाला ऑटोमेटिक रैमर यूज़ होता है। साइड कॉम्पैक्शन के लिए भी एक रैमर आता है इस तरह से, ये भी क्या करता है वाइब्रेट करता है। ये जो तीन आपको ये दिख रहे हैं ना, ये क्या करते हैं वाइब्रेशन करते हैं। वाइब्रेशन के कारण क्या होगा ना, ये दीवार जैसे ये है तो ये सब दीवार को क्या करेगा, धीरे धीरे रैपिंग मतलब वाइब्रेट करके उसको रैमिंग करेगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे जो एयर का इनलेट दिया जाता है ये एयर फ्लो पे काम करता है, यहाँ से एयर के पाइप से जोड़ते हैं, उसी एयर के कारण ही वाइब्रेशन करते हैं और साइड कॉम्पैक्टिंग भी करता है। ठीक है, मतलब इसको ये जो फॉर्मर है ना इसके अंदर डालते हैं, फॉर्मर के अंदर, तो ये फॉर्मर की दीवार में वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन के कारण क्या होता है सब तरफ अच्छे से रैमिंग हो जाता है। ठीक है, ये है इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ये ऑटोमेटिक रैमर को डाल दिया, ये साइड में रैमिंग करता है। ठीक है, ये इधर पूरा हमने पूरा क्या कर दिया है, रैमिंग कर दिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि प्रोसेस ये काम कैसे करता है पूरा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है स्टील में, एक्चुअली में इसमें कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है चार्ज प्रिपरेशन। ठीक है, चार्ज प्रिपरेशन में क्या होगा, आपका जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी स्क्रैप है या DRI है, उसको आपको वेट करके मतलब प्रॉपर वजन लेके कि कितना आपको फर्नेस के अंदर चार्ज करना है, वो आपको रख लेना है पहले से साइड में, फर्नेस के आसपास आपको रख लेना है। ठीक है, वेटेड अमाउंट में, है ना। और जो जो स्क्रैप होगा उसका साइज़ जो है वो जो मैक्सिमम साइज़ होगा कि जो जो स्क्रैप है आपके पास, अगर बहुत बड़े बड़े स्क्रैप है, ठीक है, तो उसका साइज़ जो है ना फर्नेस डायमीटर का 1/3 होना चाहिए, 1/3 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका फर्नेस का डायमीटर मान लीजिए 3 मीटर है ना, 3 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाए, इतना होता नहीं एक्चुअली, मान लीजिए 3 मीटर है, तो स्क्रैप का जो साइज़ है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो सबसे बड़ा जो स्क्रैप होगा उसका साइज़। ठीक है, इससे क्या हो सकता है रिफ्रैक्टरी जो है वो डैमेज हो सकती है ना। उसके अलावा प्रॉपर सीक्वेंस से आपको चार्जिंग करना है, जितना बड़ा साइज़ का अगर स्क्रैप है उसको पहले चार्ज करना है, जो बड़े साइज़ के स्क्रैप है। और स्क्रैप चार्ज करते समय ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टरी को डैमेज ना हो, बहुत ज़्यादा हाइट से भी आपको उसको छोड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइट से स्क्रैप को छोड़ोगे तो क्या होगा, नीचे रिफ्रैक्टरी डैमेज होगी या साइड वॉल जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है कि बड़े साइज़ का जो है स्क्रैप है उसको पहले चार्ज करना है, उसके बाद छोटे साइज़ के स्क्रैप को चार्जिंग करनी है। ठीक है, और दोनों के बीच के गैप को फिल करने के लिए टर्निंग या बोरिंग वगैरह जो होता है ना, जो छोटे छोटे साइज के स्क्रैप होते हैं उसका चार्जिंग करना है। ठीक है, या आपके पास अगर DRI है तो DRI को चार्ज करना होता है। ठीक है, और जितने भी रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज़ होते हैं ना, ज़्यादातर स्क्रैप ही यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, स्क्रैप ही यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको रिफाइनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और DRI का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि DRI में पहले से उसमें कुछ अमाउंट में FeO होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, तो जो FeO है ना वो कुछ अमाउंट में फ्लक्स का भी काम करता है। ठीक है, अगर कुछ अमाउंट में आपका सिलिका है, सिलिका बन रहा है वहाँ पे, ठीक है, मतलब अगर आपके उसमें सिलिकन है, सिलिकन से क्या बन रहा है SiO2 बन रहा है, जितनी भी अगर एसिडिक ऑक्साइड बन रहा है, तो जो FeO जो होता है ना DRI में FeO, वो उसके साथ रिएक्शन करके स्लैग बना लेता है। ठीक है, तो DRI डालने का ये फ़ायदा होता है ना, या DRI होना ही चाहिए अगर आपके पास इंडक्शन फर्नेस है और DRI है तो आपको बहुत अच्छा है ना, आप दोनों का स्क्रैप और DRI का मिक्स उसमें चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है मेल्टिंग एंड मेकिंग रेडी द हीट। जैसे आपने स्क्रैप पूरा मतलब चार्ज कर लिया एक ही बार में, पूरा ऐसा नहीं कि स्क्रैप ने चार्ज कर दिया फिर मेल्ट कर दिया, ऐसा नहीं, कुछ अमाउंट में हम स्क्रैप डालेंगे फिर उसको पहले मेल्ट करेंगे, जब वो 50% मेल्ट हो जाएगा फिर हम अपना दूसरा फिर से हम डालेंगे स्क्रैप या DRI। ठीक है, और DRI है तो वो कंटिन्यूसली चार्ज भी होते रहते हैं, मतलब एक ही बार में ऐसा नहीं कि पूरा DRI डाल के भर दिए फर्नेस को उसके बाद मेल्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके हम मेल्टिंग भी करते रहते हैं और कंटिन्यूसली DRI भी चार्ज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है दोनों प्रोसेस मतलब चलते रहता है। ठीक है, और हमेशा फर्नेस को कोशिश करना रहता है कि फुल पावर में ही ऑपरेट करे। ठीक है, जितना वो फुल पावर में ऑपरेट करेगा उसकी इफ़िशेंसी अच्छी होगी, उतना जल्दी वो मेल्ट करेगा और एनर्जी लॉसेस कम होगा। ठीक है, अगर फुल पावर में चलाते हो, अगर कम पावर में चलाओगे तो एनर्जी लॉस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और फर्नेस को ढकने के लिए भी फर्नेस का कवर होता है, अगर कवर प्रॉपर कवर आप उसमें यूज़ करते हो तो इससे जो रेडिएशन के कारण जो हीट लॉस है ना वो भी कम हो जाता है। ठीक है, अब जब आप मेल्टिंग करते हैं ना तो स्लैग बनना चालू होता है। ठीक है, स्लैग बनता है
है ना, जनरली यहाँ पे फ्लक्स वगैरह का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो आपका स्क्रैप है वही केवल मेल्ट होता है, और उसके कारण कुछ अमाउंट में अगर जो स्लैग बनता है वो बनता है, हम अलग से फ्लक्स ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, डी आर आई में कुछ अमाउंट में ए फ्यू वगैरह होता है, और डी आर आई के अंदर ही एस आई ओ टू भी होता है, क्योंकि जब डी आर आई हम बनाते हैं तो आपको याद होगा कि वहाँ पे इम्प्यूरिटी रिमूवल नहीं होता है, ठीक है। जितना भी गैंग मटेरियल है वो डी आर आई में ही जाता है, तो एस आई ओ टू है, एम एन ओ है, ये सब मेल्ट होता है, और ए फ्यू भी है डी आर आई में, ये सब मिलकर स्लैग बनाता है, ठीक है। तो मेल्टिंग के समय आपको क्या मिलेगा, स्लैग मिलेगा। तो स्लैग बिल्डअप होता है फर्नेस के वॉल पे, इधर वॉल पे और टॉप में, क्योंकि स्लैग भारी होता है, और जहाँ तक कॉइल का वो रहता है ना, ऐसा कॉइल लगा होता है, कॉइल के ऊपर ही आपका स्लैग ऐसा जमा होता है, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब हम स्क्रैप या डी आर आई चार्ज कर रहे हैं, तो एक मेनिस्कस लेवल आपको बना के रखना है, मतलब इस हाइट के ऊपर आपको नहीं लेके जाना है ना मेल्टिंग को, ठीक है। तो एक मेनिस्कस लेवल बना के रखते हैं, एक टॉप हाइट से एक हाइट बना के रखते हैं, कि वहीं तक ही केवल मेटल का लेवल आपको रखना है, ठीक है। तो जब आप मेल्टिंग करते हो ना, तो स्लैग ऐसे बनता है, तो स्लैग बनने के बाद आपको स्लैग को बाहर भी निकालना है। तो यहाँ पे डी स्लैगिंग का एक ही तरीका होता है, एक बड़ा सा स्पून जैसे होता है ना, ऐसे बड़ा सा एक स्पून जैसे एक टूल होता है, ऐसे स्पून ही मान लो, बड़ा सा स्पून ऐसे, इसी के थ्रू फर्नेस में से डालते हैं, यहाँ से स्लैग को निकाल के बगल में फेंक देते हैं। तो यही काम करते रहते हैं, तीन चार वर्कर जो होते हैं ना, वही मतलब स्पून जैसे है उसको डालेंगे बाथ में, वहाँ से स्लैग को निकाल के साइड में चार्ज कर देंगे, फिर स्पून स्पून को डालेंगे इस तरह से, जितना भी स्लैग होता है उसको स्पून से उठा उठा के साइड में रखते जाते हैं, ठीक है। इस तरह से स्लैग रिमूवल होता है, और कोई अलग मेथड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर आपका कंप्लीट होने के बाद, प्रॉपर मतलब आपका हीट हीट बन चुका है, उसका टेम्परेचर भी सही आ चुका है, कॉम्पोजिशन भी सही आ चुका है, क्या करना होता है ना, जब हम मेल्ट करते हैं ना, तो पूरा मेल्टिंग होने के बाद सैंपल लेते हैं, सैंपल को हम भेजते हैं लैब में, लैब में स्पेक्ट्रोमीटर होता है, वहाँ से कंपोजिशन चेक कर लेते हैं। अगर आपका कंपोजिशन प्रॉपर है तो सही है, अगर कोई चीज़ की कमी है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपका मान लीजिए कार्बन कम है, तो अलग से आपको कार्बन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जो भी कमी होगी उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम है तो उसको प्रॉपर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब करना पड़ता है। और जो फेरो अलॉयज है ना, उसको हम आखिरी में डालते हैं ज़्यादातर, जो भी सिलिकॉन मैंगनीज वगैरह है, ठीक है, फेरो मैंगनीज है या फेरो सिलिकन है, उसको हम फेरो अलॉय को आखिरी में डालते हैं। आखिरी में डालने के बाद उसको प्रॉपर मिक्स करते हैं, ठीक है, पहले मिक्स होने देते हैं, फिर से उसका सैंपल लेते हैं। जब हमें ये लग जाता है कि नहीं प्रॉपर हमें जिस कॉम्पोजिशन का हमको चाहिए है ना, अपना मेटल वो बन गया है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसको टाइपिंग कर लेते हैं। तो टाइपिंग करने के लिए आपका जो फर्नेस है ना, वो टिल्ट होता है, ये फर्नेस ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट होने के बाद एक टीमिंग लैडल होता है, हम उसको टीमिंग लैडल में ले लेते हैं मेटल को, ठीक है। उस टीमिंग लैडल से फिर हम उसको भेज देते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग यूनिट पे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर काम करता है। अब देखो, जो भी इंडक्शन फर्नेस है ना, उसमें ज़्यादातर हम लोग माइल्ड स्टील का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है, माइल्ड स्टील का प्रोडक्शन होता है। तो प्रोसीजर सब कुछ वही होता है, माइल्ड स्टील का प्रोडक्शन करो या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करो, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताया ना, डी आर आई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डी आर आई अगर कुछ अमाउंट में मान लीजिए सल्फर और फॉस्फोरस ज़्यादा है ना आपके स्क्रैप में, तो आप क्या करो, स्पंज आयरन का यूज़ करो। स्पंज आयरन डालोगे तो जो भी ए फ्यू जो होता है ना, तो ए फ्यू से जो स्लैग बनता है, वो स्लैग जो है सल्फर और फॉस्फोरस को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। तो डी आर आई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे इंडक्शन फर्नेस में रिफाइनिंग के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ होता है डी आर आई में, दिक्कत क्या होती है, कार्बन थोड़ा सा कम होता है डी आर आई में, खासकर जो स्पंज आयरन होता है ना, कोल बेस्ड डी आर आई, उसमें कार्बन कम होता है, तो उस केस में हमको अलग से कार्बन भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रॉपर अमाउंट में हमको ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रिफाइनिंग का स्कोप बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कार्बन एक्स्ट्रा मिला दिया तो कार्बन एक्स्ट्रा ही होगा, क्योंकि कार्बन रिमूव करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। सिलिकॉन एक्स्ट्रा मिला दिया तो वो एक्स्ट्रा ही रह जाएगा, क्योंकि उसको रिमूव करने का कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर अमाउंट में हमको कार्बन है या फिर फेरोला है उसको आखिरी में ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम टाइपिंग करते हैं ना, तो टाइपिंग के समय लगभग टेम्परेचर होता है 1650 से 1670 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर में हम टाइपिंग करते हैं। डिपेंड ये भी करता है कि आपका कंटिन्यूस कास्टिंग यूनिट कितना दूर है। अगर कंटिन्यूस कास्टिंग यूनिट बहुत दूर है, ज़्यादा दूर तय करना है टीमिंग लैडर को, तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं पहले, लेकिन इतना ही टेम्परेचर लगभग मेंटेन करते हैं, 1650 से 1670 के बीच, ठीक है। अब इंडक्शन फर्नेस का ये एक और एडवांटेज है कि वहाँ पर आपको स्टीयरिंग अलग से स्टीयरिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आर्गन पर्जिंग करना है या कुछ अलग से स्टीयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है ना वही स्टीरिंग का काम करता है। जैसे जो कॉइल लगी होती है ना, शुरू में जो कॉइल क्या करता है, मेल्ट करने का काम करता है। जब मेल्ट हो जाता है ना, तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ना मटेरियल में स्टीरिंग भी होता है। स्टीरिंग मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हम चम्मच चलाते हैं ना शरबत बनाते समय, वो स्टीरिंग एक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टीरिंग इंडक्शन के कारण ना स्टीरिंग एक्शन भी होता है। तो इससे जो भी आप फेरोला डालते हैं ना, वो तुरंत ही डिजोल्व हो जाता है। इसका भी एक एडवांटेज है इंडक्शन फर्नेस का। ठीक है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज देख लेते हैं, फिर इसके बाद एडवांटेजेस देखेंगे। डिसएडवांटेज में पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि रिफाइनिंग जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, ठीक है, रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसलिए हमको कई बार, अगर मान लीजिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल आ रही है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें इंप्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें रिमूवल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हम अलग से यहाँ पर रिफाइनिंग के लिए ऑक्सीजन वगैरह तो दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका ड्रॉबैक है, लैक ऑफ रिफाइनिंग भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्मॉल कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी जो है इंडक्शन फर्नेस का ज़्यादातर कम ही होता है। बहुत ज़्यादा बड़े इंडक्शन फर्नेस आपने नहीं देखा होगा कि 100 टन का इंडक्शन फर्नेस है, 50 टन का इंडक्शन फर्नेस, ऐसा नहीं होता है। छोटा इंडक्शन फर्नेस होता है ना, 12 टन, 20 टन, उससे कम भी हो सकता है, 5 टन का भी हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के कंपेयर में कैपेसिटी बहुत ही कम होती है इसके। ठीक है, और फ्रिक्वेंट आपको रिफ्रैक्टरी चेंज करना पड़ता है। जैसे एक बार आपने रिफ्रैक्टरी मास रैमिंग किया, वो 20 से 30 हीट चलेगा बस, 30 हीट के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टरी को, तो रिफ्रैक्टरी बार बार चेंज करना पड़ता है। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस। पहले हायर यील्ड, हायर यील्ड का मतलब यहाँ पे किसी तरीके से तो ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होता है, तो आपको यील्ड जो है मेटल का वो ज़्यादा मिलता है। स्लैग मेटल का लॉस भी बहुत कम होता है। ठीक है, पावर सप्लाई भी आपको एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आपको कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पावर सेविंग भी यहाँ पर होता है। ठीक है, और जो कोल्ड चार्जिंग आप डालते हो, उसके बाद जो आप मेल्टिंग करते हो, उसका टाइमिंग भी बहुत कम होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के कंपेयर में। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में टाइम ज़्यादा लगता है मेल्ट करने में, लेकिन यहाँ मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समय की भी बचत हो रही है, तो इससे हमको हायर यील्ड मिलता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप कभी भी आपके मटेरियल को के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, स्टीरिंग एक्शन यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलता है। किसी भी टाइप के मेटल को आप मेल्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको हॉट मेटल की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। किसी भी टाइप के मेटल को आप मेल्ट कर सकते हो, नॉन फेरस या फेरस सब तरीके। नेचुरल स्टीरिंग होता है, मतलब आपको स्टीरिंग की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कॉइल है, कॉइल के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, उसी कारण स्टीरिंग भी हो जाता है, मेल्टिंग भी हो जाता है, दोनों काम उसी से होता है। कॉम्पैक्ट इंस्टॉलेशन होता है, मेल्टिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है ना। स्मॉल छोटे फर्नेसेस होते हैं, छोटी जगह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मेल्टिंग रेट बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी मेल्ट कर देता है अपने मेटल को, है ना। रिफ्रैक्टरी थोड़ा कम लगता है ना। रिफ्रैक्टरी अगर देखा जाए तो कैपेसिटी छोटा है, तो उस तरह से आपको रिफ्रैक्टरी थोड़ी कम लगती है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है, जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के कंपेयर में अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो इसके कंपेयर में केवल 55 से 75% में आपका काम चल जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में आपको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है, वहाँ पे इलेक्ट्रोड आपको लगता है, इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है, उसका उसका खर्चा अलग है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपका सिंपल कॉइल होता है, कॉइल को चेंज करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम बाद चेंज करना होता है कॉइल को, उतना ज़रूरी नहीं होता है, कॉइल जल्दी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है इंडक्शन फर्नेस में। ठीक है, ओके, तो ये था पूरा इंडक्शन फर्नेस के बारे में मेरा लेक्चर। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।